फिर क्या कुछ और तैयारी खास की गई है? अरे आप देख ही रहे हैं कि आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके स्वागत के लिए सारा पटना, सारा बिहार आज उमर पड़ा, जैसे लग रहा हो कि वो अपने पटना के बेटा का स्वागत कर रहे हैं। और सड़कों पर पूरा पटना उतर आया था। इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो अपनी एक छाप छोड़ी है, कहीं कहीं उसका सामान्य और आम जनों पर एक बड़ा असर है और आने वाले दिनों में यह असर कहीं कहीं परिणाम के रूप में दिखेगा। सर क्या कुछ और तैयारी खास की गई है? अरे आप देख ही रहे हैं कि आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके स्वागत के लिए सारा पटना, सारा बिहार आज उमर पड़ा, जैसे लग रहा हो कि वो अपने पटना के बेटा का स्वागत कर रहे हैं। और सड़कों पर पूरा पटना उतर आया था। इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो अपनी एक छाप छोड़ी है, कहीं कहीं उसका सामान्य और आम जनों पर एक बड़ा असर है और आने वाले दिनों में यह असर कहीं कहीं परिणाम के रूप में दिखेगा। आज बीजेपी के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है और लगातार ही सुबह से जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हैं, उसके बाद से ही रोड शो हो रहा था। रोड शो में लोगों का जो सपोर्ट है वो देखने को मिला। हमारे साथ तारकेश्वर प्रसाद है और वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए। क्या कुछ और तैयारी खास की गई है? अरे आप देख ही रहे हैं कि आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके स्वागत के लिए सारा पटना, सारा बिहार आज उमर पड़ा, जैसे लग रहा हो कि वो अपने पटना के बेटा का स्वागत कर रहे हैं। और सड़कों पर पूरा पटना उतर आया था। इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो अपनी एक छाप छोड़ी है, कहीं कहीं उसका सामान्य और आम जनों पर एक बड़ा असर है और आने वाले दिनों में यह असर कहीं कहीं परिणाम के रूप में दिखेगा। तो देखिए जिस तरीके से आज जेपी नड्डा जी आए हैं, उसके स्वागत के लिए पूरे रोड पे लोग उतर आए थे, जो कार्यकर्ता थे वो उतर आए थे और पूरे पटना को भगवा रंग में रंग दिया गया था। ये देखते हुए लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी की, आज पटना है, उनके स्वागत के लिए सारे लोग रोड पर उतर गए थे। और तारकेश्वर प्रसाद जी ने भी यही कहा। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।